अभी हम प्रणव साधना करेंगे, ओम ध्वनि करेंगे। ओम आप धीरे धीरे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। सूक्ष्म शरीर कभी 6 इंच, कभी 9 इंच, कभी 6 उंगल ऐसी दूरी पे है। जैसे जैसे हमारी साधना अच्छी होती है, हमारे मन की शक्ति अच्छी होती है, माफी मांगना मन से हो जाता है। कोई भी कुछ करता है हमारे लिए तो थैंक्स अंदर से निकलता है, तो हमारा सूक्ष्म शरीर बहुत मजबूत होने लगता है। जैसे जैसे सूक्ष्म शरीर मजबूत होता है, फिर हम आगे कारण शरीर की ओर बढ़ते हैं, उसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे। आप चले गए सूक्ष्म शरीर में, होगा क्या उससे? जैसे आपको पिछली बार भी कहा था कि सूक्ष्म शरीर आपका कवच है, आपकी प्रोटेक्शन है। जैसे कोई व्यक्ति को कोई भयंकर बीमारी आने वाली होती है, कोई भयंकर कष्ट आने वाला होता है, कोई तकलीफ आने वाली होती है, सबसे पहले सूक्ष्म शरीर पे आती है। जो ध्यान के ज्ञानी लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, वो उसकी ओरा को देख के पहचान लेंगे कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है इस व्यक्ति को, और तभी से उसका कोई ना कोई सलूशन ढूंढना शुरू करेंगे। जितना सूक्ष्म शरीर स्ट्रांग होगा, उतनी ही हमें कम प्रॉब्लम आएंगी। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि हमारा जो प्राण है, हमारे जो सूक्ष्म शक्ति है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है। और ये सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म शरीर, मैंने गाय के साथ महसूस किया, कितने ट्री के साथ महसूस किया। जब आप किसी अच्छे पेड़ों के पास जाते हो, नदी के पास जाते हो, अपने घर में पूजा स्थल पे जाते हो, आप ध्यान करते हो और मंत्र जाप करते हो, तो अपने आपके सूक्ष्म शरीर की शक्ति जो है अच्छी होने लगती है। इसके उल्ट जब कमजोर होता है, तो आपका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। आप काम को टालते हो, सुबह की जगह शाम, शाम की जगह सुबह, और वो कितने कितने महीनों टलता है, कभी कभी पूरी जिंदगी टलता रहता है। आप अपने आप से वादा करते हो, उसको पूरा नहीं कर पाते हो। आप अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर देते हो। आप दूसरों से झूठ बोल लेते हो, उसका उतना नुकसान नहीं होता दोस्तों, जितना आप अपने आप के साथ झूठ बोलते हो, नुकसान होता है। आप गुरु के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ भी झूठ बोलना शुरू कर देते हो। और लास्ट में क्या स्थिति आती है कि आप कहीं पहुंच नहीं पाते। कहीं पहुंचना है आपको, कोई गोल हासिल करना है, तो सूक्ष्म शरीर को बहुत मजबूत करना होगा। और जैसे
आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हो। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है दोस्तों कि आप कहीं ऐसी जगह में पहुंच जाते हो, कभी आपने देखा नहीं होता उस जगह को। कभी ऐसे रिश्तेदार के, दोस्त मित्र के पास पहुंच जाते हो, आपको पता नहीं होता और आपको लगता है जो दुखी है उसको आप एक सेकंड के लिए सोचते हो, हील होना शुरू हो जाता है। आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होने लगती है, आपकी विल पावर मजबूत होने लगती है, आपके संकल्प पूरे होने लगते हैं। और सावधानी इसमें है कि सूक्ष्म शरीर में जैसे प्रवेश करो और इसके नेक्स्ट स्टेप में आप डीपली जाने लगो, तो आप अपने गुरु से जरूर संपर्क करना, उसके बिना इजाजत के आगे नहीं बढ़ना। ये जो आपको बताया है इतने में आप वापस आ जाओगे। कभी कभी आगे डीपली जाके वापस आने में बहुत मुश्किलें होती हैं। आप अपने परिवार का, अपना समाज का भला चाहते हो तो आप बहुत बड़ी मदद कर सकते हो, बहुत बड़ी मदद कर सकते हो। आप अपने जीवन को पूर्ण ढंग से, अपनी जिंदगी को जी सकते हो और आप अपने मालिक खुद बन जाते हो। इसमें एक बात होती है कि आप दूसरे लोगों से कट जाते हो, आपका मन थोड़ा दुनिया से दूर होने लगता है। आपको लगता है कि किस भ्रम में पड़ा हुआ हूं। आपको कभी कभी सारे रिश्ते झूठ दिखाई देने लग जाते हैं। है तो सच्चाई जे, और हमें स्वीकार करने में बहुत वक्त लगता है। तो आप इसकी के साथ जाने की तैयारी करें। अभी बर्जदीप आप बताओ बेटा। Now after chanting Om, we will connect to our Sukshma body. And Guruji explains that as we practice gratitude, we strengthen our meditation practice. We are able to strengthen our Sukshma body. Our Sukshma body protects us. It is like a Raksha Kavach. The stronger our Sukshma body is, the less problems will reach us. Our Sankalp power increases. Our will power increases. We are able to do good for society and for our families, for our loved ones. And when we become really connected with our Sukshma body and it becomes strong, we can feel that we move above this world, the daily problems of life, and we feel a little disconnected, but in a good way. We can move above the daily things going on. When our Sukshma body is weak, our self-confidence decreases, we delay our work or tasks, we can't keep the promises we make to ourselves, and that Guruji particularly says that when we don't keep promises that we make to ourselves, that is quite dangerous. And we're not able to reach anywhere. We keep on spinning in circles. If we want to progress spiritually, and then it's very important to strengthen our Sukshma body and connect with it. अभी अपने हाथ को ऐसे चारों उंगलियों को इकट्ठा करके ऐसे अंगूठे को कर लें और इसको अपने घुटने पे रख लें, टांगों पे रख लें, गोदी में रख लें राइट हैंड को, और फिर ओम ध्वनि करेंगे। Now take your four fingers in your right hand, place them around your thumb. You can place it on top of your knee. And now we will again chant Om. पांच बार ओम ध्वनि वैसे करेंगे, फिर पांच बार करेंगे जैसे हाथ को ऐसे धीरे धीरे ओम ध्वनि करते करते धीरे 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 ऊपर ले जाएंगे और जहां जाके खोल देंगे, फिर धीरे 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 ओम करते हुए भी वापस आएंगे। ओम अभी हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। Now while chanting Om, we will slowly take our hand and pass it from our Nabi Chakra to over our head while opening our hand slowly, as we've been practicing before. Om.
अभी आप एक बार और समझेंगे, ऐसे धीरे धीरे ओम कहते चले जाएंगे और हाथ को ऐसे करेंगे, और कभी आपका हाथ पूरा खुलेगा कभी नहीं खुलेगा, तो आप कंट्रोल नहीं करना। खुलता है पूरा तो अच्छी बात है, आपका आप जा रहे हो दूसरे दूसरे शरीर में। अगर नहीं खुलता है तो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी आप इसी तरह से लेफ्ट हैंड को करेंगे, पहले राइट को एक बार देख लें, और ओम ओम। अभी लेफ्ट हैंड से करें। Now from our left hand we'll do the same thing. ओम ओ ओ ओ अभी मन में ओम ध्वनि करते हुए अपना राइट हैंड राइट आंख के ऊपर ले जाएंगे, धीरे 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 बंद आंख से हाथ को महसूस करेंगे, देखेंगे, आपको लगेगा कि राइट आंख में थोड़ा अंधेरा हो गया। ऐसे इसको 7 से 10 टाइम तक करना चाहिए, कई लोगों का 5 में ही होने लगता है, और धीरे धीरे फिर अपने आप होने लगता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझी पड़ती। Now we will, while chanting om, take our right hand, keep your palm open, and hold it over your right eye. You'll feel that there's darkness over your right eye, and then we will repeat the same thing. Guruji says we should do this about 7 to 10 times. मन में ओम का ध्यान, ओम ध्वनि, आप ऐसे वास्तव में मन में ध्वनि करनी नहीं पड़ती, आपको सुनाई देने लगती है। आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा डीप जाके तो आपको ओम ध्वनि सुनाई देने लगेगी, नहीं सुनाई दे तो आप मन में ओम ध्वनि करना शुरू करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। While we are doing this. अभी राइट हैंड
बहुत आराम से स्लोली स्लोली अपनी राइट आंख की ओर ले जाएं। Slowly take your right hand towards your right eye. फील करना है, महसूस करना है, ऐसे टेक्निकली नहीं, टेक्निकली करने से कुछ नहीं होगा, मन से भाव से। फिर धीरे धीरे राइट हैंड नीचे ले जाएं। स्लोली रिलैक्स योर राइट हैंड। फिर ऊपर की ओर ले जाएं। अगेन लिफ्ट योर राइट हैंड। Hold it over your right eye. फिर नीचे ले जाएं। Relax your right hand. फिर ऊपर ले जाएं। Can lift your right hand, hold it over your right eye. फिर स्लोली स्लोली नीचे। Relax your right hand. फिर ऊपर की ओर। Can lift your right hand, hold it over your right eye. फिर स्लोली स्लोली डाउन। Relax your right hand. फिर ऊपर की ओर। Again, lift your right hand. Place over your right eye. फिर नीचे। Relax. ऐसे सेम लेफ्ट हैंड से करना है। Now we will do the same with our left hand. Slowly, slowly, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं। Lift your left hand, hold it over your left eye. फिर नीचे धीरे धीरे। Relax. फिर स्लोली स्लोली ऊपर की ओर। Then lift your left hand, hold over your left eye. फिर नीचे। Relax.
फिर ऊपर की ओर लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड ओवर योर लेफ्ट आई फिर नीचे लास्ट टाइम फिर लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड होल्ड ओवर योर लेफ्ट आई फिर नीचे की ओर रिलैक्स अगेन आंख बंद रखें Keep your eyes closed. अभी अपने सूक्ष्म राइट हैंड को ऑर्डर देंगे आप कमांड देंगे आप राइट हैंड मेरा सूक्ष्म राइट हैंड मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जा रहा है अपने सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म राइट हैंड को ऑर्डर दें कि मेरा हाथ मेरी राइट आंख के ऊपर जा रहा है महसूस करें राइट आंख पे हाथ रखा हुआ है Now we are giving an order to our suksham or non-physical subtle right hand to be placed over our right eye. धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएं. Now relax your suksham right hand. Give an order. फिर ऊपर की ओर ले जाएं. Again, give an order to your suksham right hand, placed over your right eye. धीरे धीरे फिर नीचे ले जाएं. And relax your suksham right hand. Again, right hand अपनी आंख के ऊपर महसूस करें. Again, feel your suksham right hand over your right eye. स्लोली स्लोली नीचे ले जाएं. रिलैक्स योर सूक्ष्म राइट हैंड. ऐसा ही लेफ्ट हैंड के साथ करेंगे. मैं अपने लेफ्ट हैंड को कमांड दें ऑर्डर करें आपका जो सूक्ष्म लेफ्ट हैंड है. Now we will do the same with our suksham, non-physical, subtle left hand. आपकी आंख के ऊपर जा रहा है. आंख के ऊपर महसूस करें. Feel your suksham left hand going towards your left eye, and it being placed on your left eye. फिर लेफ्ट हैंड को ऑर्डर करेंगे सेम महसूस करें ऊपर जाते हुए आंख के ऊपर
हाथ नीचे जाते हुए। अभी आपको मैं बोल रहा हूं तो मैं बाधा लग रहा हूं, आपको लग रहा होगा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, हो रही हूं। बस ऐसे ही लेफ्ट आंख के ऊपर हाथ को फील करेंगे, हाथ नीचे ले आएंगे। धीरे धीरे आप अपने शरीर को थोड़ा सुन्न महसूस करेंगे, भारी महसूस करेंगे। मैं सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में जा रहा हूं, मैं स्थूल शरीर से सूक्ष्म की ओर जा रहा हूं। मैं निकल गया स्थूल शरीर से, मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा प्राण शरीर, मेरी ऊर्जा बहुत बड़ी हो रही है। तो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर से बहुत बड़ा है, कभी कभी बहुत बड़ा दिखाई देगा, आपको लगेगा जैसे शक्ति पुंज होता है, रिजिज का पुंज होता है, रिजिज का समूह होता है, उसने घेर रखा है आपके शरीर को। Now we are going from the stool or physical body to the non-physical or sukshma body. As you're doing this, your body may feel heavy, it may feel numb. Feel that your sukshma body is like a reserve of rays of energy. It is circling around your physical body and you are transitioning to it. धीरे धीरे आप बैक से अपने शरीर को देखना शुरू करें। आप अपनी पीठ को देख रहे हो, कंधों को देख रहे हो, बैक से शरीर को देख रहे हो, बैक में जो आपके सर के ऊपर बाल हैं उनको देख रहे हो, पूरी बैक बॉडी को आप महसूस कर रहे हो। Now, as you transitioned into the sukshma body, observe your physical body from the back. Observe your back, your shoulders, the hair on the back of your head. Sukshma roop se बहुत और शक्तियों को महसूस कर रहे हो। Through your sukshma body, you are feeling a lot of other types of cosmic energies around you. आपका जो संकल्प है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, किसी को हीलिंग देना चाहते हो, उसको महसूस करें,
जो चाहते हो उसको महसूस करें। Bring your attention to your sankalp. Now is also the moment to bring your attention to a loved one or anyone that you may want to send healing to. किसी शक्तिपीठ के दर्शन करना चाहते हैं तो जैसे आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाओगे वहां पहुंचने लगोगे, और मजे की बात होगी आप सब कुछ वहां का देख पाओगे, वापस आ जाओगे, जो लोग वहां होंगे उनको भी देख पाओगे, महसूस करोगे। ऐसे आप सूक्ष्म जगत में कहीं भी जा सकते हो इस प्रैक्टिस के साथ। There is a holy place that you want to visit. In this moment, you could do that with your sukshma body. जो चाहते हो उसको महसूस करें, जो बनना चाहते हो उसको महसूस करें। Focus on your sankalp, what you want to become, what you want to realize. अभी अपने आप को ऑर्डर दें कि मैं 3 मिनट में स्थूल शरीर में वापस आना चाहता हूं। मैं स्थूल शरीर में वापस आना चाहता हूं। वापस आइए, 3 मिनट में वापस आइए। Now you've ordered to yourself that you will come back to your physical or stool body within 3 minutes. वापस आइए, वापस आइए। गहरी सांस लें। Deeply breathe in and breathe out. गहरी सांस लें 4 बार 5 बार। Repeat this 4 to 5 times. अपने सांस के ऊपर ध्यान करें। Bring your attention to your breath. आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, इसके ऊपर ध्यान करें। You are breathing in, inhaling and exhaling. अभी शांत हो जाएं, अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं करें, जहां जाती है जाने दें, धीरे धीरे होश में आए। जो घर में जिनका ध्यान लग गया हो वो बैठे रहना चाहें तो बैठे रह सकते हैं, कभी कभी लग जाता है उठने का मन नहीं होता, तो जहां बैठे हो अगर आपका उठने का मन नहीं है तो नहीं उठें, 10-20 मिनट के बाद उठें। Be natural. If you feel very deeply connected or you are in deep meditation right now, please continue to stay with that for at least the next 10 to 20 minutes. Don't rush yourself to get up.
धीरे धीरे आंखों पे हाथ रखें. Slowly place your hands over your eyes. आंख खोलें, आंख को आंख से हाथों को देखें और ऐसे टच करें. Open your eyes, look at your hands, rub them together, touch your third eye. गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम श्री सद्गुरुवे नमः. ओम श्री सद्गुरुवे नमः. ओम श्री सद्गुरुवे नमः. फिर आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को, माता रानी को प्रणाम करता हूँ. गुरु महाराज जी का बहुत शुक्रिया करें, माता पिता का शुक्रिया करें. मैं भी गुरु महाराज जी का, माता पिता, पिताजी का, माता जी का, आपका सबका शुक्रिया करता हूँ. आप रहे इतनी देर तक ध्यान में, माँ बहुत बहुत कृपा करे, बहुत बहुत शक्ति दे. ये ध्यान गहरा है और इसमें जब ध्यान रगड़ने लगता है तो कंट्रोल नहीं होता कब आप सूक्ष्म में प्रवेश कर जाओगे. तो जितनी हम क्रियाएं करते हैं, हाथ उठाते हैं, ऊपर रखते हैं, ये उससे उसके लिए है कि हम अलग हो जाएं स्थूल शरीर से. कभी कभी कुन लोगों का दो बार में ही हो जाता है, कभी पांच बार में हो जाता है, तो आपको फिर छोड़ देना है उसको. ऐसा नहीं सोचना कि चुंडा स्वामी कह रहा है कि पांच बार ही करना है, सात बार ही करना है, गिनती नहीं है. कभी कभी आप किसी स्कूल के बच्चे को, स्टूडेंट को, कॉलेज के बच्चे को कोई होमवर्क देते हो, कोई दो घंटे में करता है, कोई दो दिन में नहीं कर पाता, कोई बीस मिनट में करके दे देता है. आप किचन की बात देखें, कुछ बेटियां बहनें दो घंटे में पूरा लंच डिनर खत्म कर देती हैं, कोई कोई पूरा दिन लगी रहती हैं. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसी स्थिति है. हम जो ये हाथ ऊपर रख रहे हैं, उठा रहे हैं, नीचे रख रहे हैं, ये सिर्फ उससे जाने के लिए है. अगर आपका पहले ही हो गया तो फिर बस आप उसी उसी स्थिति में रहें. महारानी बहुत बहुत आप पे कृपा करें. आज इस ग्रुप का हमारा लास्ट डे है. आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद. स्पेशली अमित जी का, बर्जदीप का, जिन्होंने ये प्रयास किया और हम सफल रहे. आपकी दुआएं मिली, आपका आशीर्वाद मिला. नेक्स्ट जून के फर्स्ट वीक से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी और जो आपको कहा है आप इसको करते रहें तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जितने ध्यान आज तक आपने सीखे हैं इसकी प्रैक्टिस आपको कहीं की कहीं ले जाएगी. इसकी प्रैक्टिस आपके आगे वाले दरवाजे भी खोल देगी. और कहीं भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर कर सकते हैं, आपको मैं जरूर जवाब दूंगा. तब तक के लिए इजाजत. माँ बहुत बहुत कृपा करे. जय माता दी.